Hey, awesome. So, my dear friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें हमारे निंजा कोर्स से वैल्यूज मिल रही है। और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे कोर्स को लेकर, ठीक है, जो हमने निंजा कोर्स का इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसके थ्रू बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस निंजा कोर्स में आकर इस सारे कोर्स को यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख रहे हैं, प्लीज शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। कहीं पर आपका कुछ सीसीटीवी का कोई ग्रुप होगा, वहां पर शेयर करिए हमारे कोर्सेज को। और एज वेल एज आप जो है लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल पे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज ये करके रखिए, बिकॉज मैं बहुत सारे और भी नए नए कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लाने वाला हूं। इसे शेयर करना ना भूलिएगा। सो जैसे कि आज हम आ चुके हैं डे 7 की ओर, और जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा शीट को कैसे हम रीड करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और हम आगे के लेवल पर जाएंगे, जहां पर अब हम डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि कौन कौन से डिस्प्लेस को वो जो है सपोर्ट करता है हमारा XBR। यानी कि अभी देखिए, मैं पूरा एक ही DVR के मॉडल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं, फिलहाल इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे डेटा शीट के टॉपिक को, बट आने वाले दिनों में मैं आपको हिकविजन का डेटा शीट कैसे रीड करते, उसके बाद में CP+ का डेटा शीट कैसे रीड करते, ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है, बट मैं एक एक वीडियो के अंदर अंदर वो बता दूंगा आपको आने वाले दिनों में, राइट। सो यहां पर देख सकते हो, जो मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो ये मॉडल है। और उसके बाद में अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो हम डिस्प्ले के बारे में अभी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले में अगर आप देखोगे तो ये कोई भी DVR होता है, उसमें डिस्प्ले के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप पढ़ सकते हो कि इसकी जो इंटरफेस होती है, ठीक है, वहां पर आपको दो आउट इंटरफेस मिल जाता है। यानी कि जो आपका DVR होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक HDMI होता है और एक जो होता है वो आपका VGA होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका HDMI जो केबल होता है वहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर आपका जो है HD रिजोल्यूशन आपका सपोर्ट करता है, VGA जो होता है वो आपका HD रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन को सपोर्ट करता है। तो दोनों भी आपको मिल जाएगा, और आप चाहते हो साइमल्टेनियसली दोनों TV यूज करना है तो आप दोनों TV यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन, कितने रिजोल्यूशन डिस्प्ले के ऊपर सपोर्ट करेंगे, तो वो सारे फुल HD के रिजोल्यूशन आपके सपोर्ट करेंगे, और उससे जो भी कम के रिजोल्यूशन है वो सारे रिजोल्यूशन इसमें सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप नॉर्मली ये DVR लोगे तो 2 MP तक का आप मैक्सिमम कैमरा लगाओगे, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं लगाओगे, तो वहां तक के रिजोल्यूशन आपके सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जब आप IP को एक्सटेंड मोड पे एनेबल करोगे, ठीक है, व्हेन IP एक्सटेंशन मोड नॉट एनेबल, देखिए यहां पर लिखा हुआ है नॉट एनेबल, ठीक है। तो पहले नॉट एनेबल को समझ लेते हैं। आपका जो मल्टी चैनल होगा, देखिए, कभी जब आप DVR चालू करते हो ना तो उसमें आपके चैनल्स कुछ ऐसे बने होते, ठीक है, तो चार चैनल में आपके चार फ्रेम बनते, 1, 2, 3 और 4 फ्रेम बनते, इसको कहा जाता है मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। एक होता है सिंगल स्क्रीन, जिसपे आपका सिंगल एक कैमरा आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मल्टी स्क्रीन जो होगा वो चार चैनल में आप मैक्सिमम चार फ्रेमिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एट चैनल में ऑप्शन थोड़ा बढ़ जाता है, आप चार का फ्रेम तो बना ही सकते हो, प्लस आप 8 का फ्रेमिंग भी बना सकते हो, यानी कि आपको उसमें 8 का फ्रेमिंग भी मिल जाएगा, प्लस आप क्या कर सकते हो, आप 9 के सेट पे भी रख सकते हो, यानी कि मल्टी, यानी कि आपके एक ही स्क्रीन के अंदर आपको 9 फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक होगा, ठीक है, जो 9 होगा, ठीक है। बट अभी मैं फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट वो आप देखोगे तो उस तरीके से स्प्लिट करके वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ऑलराइट। सो इस तरीके से क्या होगा कि आपको मल्टी स्क्रीन आपको मिल जाता है, एक चैनल में आप मैक्सिमम 9 स्प्लिट्स आप लगा सकते हो, यानी कि मल्टी प्रीव्यू कर सकते हो 9 चैनल्स को, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब आप आईपी को एनेबल करते हो, ठीक है, आईपी को एनेबल करते हो, व्हेन आईपी एनेबल मोड हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप वहां पर चार चैनल के DVR में, क्योंकि आईपी आ चुका है, ठीक है, तो 5 का स्प्लिट तो बनेगा नहीं, तो वहां पर 6 का स्प्लिट आपको दिया जाता है, ठीक है। वहां पर क्या दिया जाता है आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 का स्प्लिट आपको दिया जाता है इस तरीके से। और 8 चैनल में अगर आप देखोगे तो वहां पर 4 आईपी कैमरा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको 16 का स्प्लिट आपको मिल जाता है, यानी कि प्रीव्यू जो होता है वो 16 का आपको मिल जाता है, ठीक है, तो वो यहां पर डिफर किया गया। नेक्स्ट आता है आपका OHD, OHD का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले
और सेटिंग। ठीक है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग क्या होता है, जैसे कि आप जो भी डिस्प्ले के ऊपर सेटिंग करना चाहते हो, ठीक है, वो सेटिंग आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहो तो कैमरे का टाइटल चेंज कर सकते हो, वो सब फीचर इसके अंदर दिया गया है, यानी कि डीवीआर के अंदर डिस्प्ले को लेकर क्या फीचर दिए गए। कैमरा टाइटल यानी कि मैं कैम वन कैम टू को रिप्लेस कर सकता हूं मैं अपने नाम से, लाइक स्केल मुंबई, ठीक है, वो नाम से हम कैमरा टाइटल दे सकते हैं, हर कैमरे को नेमिंग कर सकते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद में टाइम फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक डीडी एमएम वाईवाई ये फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो आप डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडियो लॉस की सेटिंग्स, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वीडियो लॉस के जो है वहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कैमरा लॉक, ठीक है, कैमरा लॉक की जो सेटिंग होती है वो आप चेंजेस कर सकते हो। ये सब चीजें हैं, आपको डिस्प्ले के ऊपर वो सब चीजें दिखेंगे, यानी कि अगर वीडियो लॉस हो गया तो क्या होगा, वीडियो लॉस का सिंबल वहां पर आएगा, ठीक है। कैमरा लॉक, अगर कैमरा लॉक हो गया तो उसका सिंबल वहां पर आएगा, ठीक है। मोशन डिटेक्ट, ठीक है, तो मोशन डिटेक्ट का आपको ऑन स्क्रीन के ऊपर, आपको डिस्प्ले के ऊपर उसका सिंबल दिखेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका सिंबल दिखेगा, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या चीजें आपको दिखेंगे वो सारी चीजें का यहाँ पर दिया गया, यानी कि टाइटल आपको दिखेगा, टाइम आपको दिखेगा, उसके फॉर्मेट्स आपको दिखेंगे, उसके बाद में वीडियो लॉस के सिंबल्स आपको दिखेंगे, कैमरा लॉक के सिंबल, ये सारे चीजें ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वो अल्टीमेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग क्या होता है, जैसे अभी हम ज्यादा इसको लेंदी नहीं खींचेंगे, फटाफट से समझते हैं। इंटरफेस यानी कि हमारे पास में नेटवर्क के ऊपर जो पोर्ट दिया गया होता है वो क्या होता है आपका RJ45, जिसको हम रजिस्टर्ड जैक कहते हैं। तो RJ45 जिस पोर्ट की जो बैंडविड्थ होती है, डेट इज मैक्सिमम आप 100 मीटर तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आपका आई थिंक सो 100 Mbps तक की जो है बैंडविड्थ दी जाती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर मैं Mbps लिख देता हूं। ऑलराइट, तो 100 Mbps तक का पोर्ट होता है वो, ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े होंगे तो उसमें Gbps वाले पोर्ट्स वाले भी आते हैं, ठीक है। सो वो आपको देख के ले सकते हो, बट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसमें रिक्वायर्ड कहाँ पर होगा, ठीक है। तो 1 RJ45 का पोर्ट आपको मिल जाता है, अगर आपको और चाहिए तो आप स्विच लगा के उसके मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क फंक्शन। तो इसमें क्या है, आपके पास में बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जैसे देख सकते हो HTTP HTTPS, इसके ऊपर एक एक के ऊपर टॉपिक है मेरा। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, IP और TCP में क्या होता है, मतलब फर्क क्या है, फर्क कुछ भी नहीं है, नेम का फर्क है, ठीक है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है, जैसे सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका IP version 4 IP version 6, ये क्या है, IP वर्जन जो 4 होता है IP वर्जन जो 6 होता है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब हम नेटवर्क के टॉपिक में सीखेंगे आगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसे जल्दी से जल्दी आपको सीख लेना है तो हमारे कोर्स को एनरोल कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि मे बी मैं इतना नेटवर्क तक के रिकॉर्डिंग्स मैं आपको YouTube के ऊपर प्रोवाइड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, वो डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत आगे के टॉपिक्स है वो सारे, तो कवर तो होंगे बट इसके लिए साल भर भी लग जाएगा, बट उसके लिए वेट नहीं करना है, आप अभी जाके कोर्स को खरीद सकते हो और एकदम डिटेल में चीज़ों को सीख सकते हो। उसके बाद में SMTP क्या होता है, यानी कि ईमेल वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो, सर्वर वगैरह बनाना है FTP के लिए यूज़ कर सकते हो, IP फिल्टर कर सकते हो, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आप यूज़ कर सकते हो, DNS आप यूज़ कर सकते हो, डोमेन नेम सिस्टम जिसे हम कहते हैं DDNS, डायनेमिक डोमेन नेम सिस्टम्स भी आप यूज़ कर सकते हो, अलार्म को यूज़ करना चाहते हो, सर्वर्स असाइन कर सकते हो, P2P क्लाउड यूज़ कर सकते हो IP के लिए, यानी कि नेटवर्क के जितने भी फंक्शंस है वो सब कुछ आपको दिए गए, ठीक है। तो ये देखो, ये एक अलग से टॉपिक ही है पूरा हमारा, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम यूजर कितने एक्सेस कर सकते हैं, 128 यूजर्स आप बना सकते हो, जहां से आप नेटवर्क के बेस पर आप 128 यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्मार्टफोन, आप आईफोन पे चला सकते हो, आप आईपैड पे चला सकते हो, आप एंड्रॉयड पे चला सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऑनविफ प्रोटोकॉल है हमारे पास में, ठीक है, ऑनविफ प्रोटोकॉल। तो ये जो ऑनविफ प्रोटोकॉल होता है ना, ये जरूरी नहीं हर एक DVR में हो, तो जब आप लेते हो तो परचेज कर लीजिए। ऑनविफ का मतलब होता है ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम, ठीक है, ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम। ये जो होता है, अगर किसी DVR में ऑनविफ है, दैट मींस आप किसी भी ब्रांड का IP कैमरा चला सकते हो, ठीक है। हाँ, उस IP कैमरा के अंदर भी ऑनविफ प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने के लिए जो है वो फीचर होना चाहिए, यानी कि वो प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी वो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली आपके DVR में लेकिन कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा ऑनविफ को, दोनों ही तरफ ऑनविफ सपोर्टेबल होना चाहिए। तो आप किसी
भी ब्रांड का, जैसे हिकविजन को चलाना है तो आप उसमें ऑनवीव देख लीजिए है कि नहीं, तो आप चला सकते हो। उसके बाद में सीपी प्लस का अगर आपको चलाना है तो आप चला सकते हो। तो ऑनवीव के ऊपर तो हमारा एकदम बड़ा ट्यूटोरियल है, हम पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं ऑनवीव और ये कैसे वर्क करता है, वो सारा चीज हम समझते हैं। तो ये क्या है, ये सारे नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए ये मैं फटाफट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको अलग से सिखाने वाला हूँ। जो डेटा शीट में मैंने सिखा दिया वो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बट ये सबके ऊपर मेरा अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, जहां पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले। बट माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू दैट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर फटाफट से जाएंगे, जैसे डिस्प्ले के बारे में हमने कवर कर दिया, नेटवर्क के बारे में कवर कर दिया, अब यहां पर अगर हम कवर करेंगे दैट इज समथिंग मोर एंड दैट इज वीडियो डिटेक्ट एंड अलार्म, वीडियो डिटेक्ट एंड अलार्म। तो देखिए ये क्या होता है, ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर फीचर होता है कि अगर आप इवेंट्स लगाते हो तो आप इवेंट रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा सकते हो और अलार्म जनरेट कर सकते हो, ठीक है, पीटीजेड के ऊपर ट्रिगर्स लगा सकते हो, ठीक है, टूर के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हो, वीडियो पुश के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हो, ईमेल के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हो, ठीक है, एफटीपी के ऊपर, ये सारे के ऊपर क्या कर सकते हो, आप अलार्म ट्रिगर लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब भी हम एडवांस में सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। जैसे कि कोई मोशन डिटेक्ट हुआ तो क्या होगा, बजर बज जाएगा, ठीक है, उसके बाद में कोई मोशन डिटेक्ट हुआ तो स्नैपशॉट लेके सेव हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रिगर्स है, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके से हम ट्रिगर करते हैं, अलार्म के ट्रिगर्स हम करते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो इस डीवीआर के अंदर और ये सारे चीजों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो डिटेक्शन, वीडियो डिटेक्शन मतलब जैसे मोशन डिटेक्शन काम करेगा, ठीक है, अब मोशन डिटेक्शन जो काम करेगा, ठीक है, उसका यहाँ पर जोन लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसमें होते हैं ना बहुत सारे, आप जोन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जैसे 4 जोन 5 जोन तक आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वीडियो लॉस जो आता है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है, वीडियो लॉस डिटेक्ट करेगा, यानी कि कभी भी कोई भी कैमरा मान के चलिए आपका बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको इंटीमेशन मिल जाए आपके डीवीआर के ऊपर। टेम्परिंग, कोई कैमरे के ऊपर हाथ रखकर या रुमाल रखकर चोरी कर रहा है, किसी तरीके से टेम्पर करके कुछ कर रहा है, कुछ मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको वहां पर ट्रिगर और अलार्म मिल जाए, वो फीचर इसमें यूज कर सकते हो। डायग्नोसिस, आपको देखिए एनालिटिक्स वगैरह और डायग्नोसिस वगैरह आप इसमें कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अलार्म इनपुट नहीं दिया गया, अलार्म इनपुट मतलब रिले के कोई भी फंक्शंस नहीं दिए गए, ठीक है, ना तो इनपुट ना तो आउटपुट, तो रिले वाले डीवीआर अलग आते, ठीक है, वो आपको चेक करना होगा, कोई मॉडल में आपको अवेलेबल होगा तो आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका प्लेबैक, ठीक है, प्लेबैक। तो प्लेबैक और बैकअप के लिए आपको 4 चैनल के लिए आपको प्लेबैक दिया गया है, 8 चैनल के लिए भी आपको प्लेबैक दिया गया है, और सारे को आप प्ले करके एक साथ में आप देख सकते हो, 4 फ्रेम 8 फ्रेम 9 के पूरे मल्टी प्रीव्यू आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज इसमें दिया गया है, तो काफी असम चीज है ये। एंड समथिंग मोर, सर्च मोड, तो टाइम के हिसाब से भी आप प्लेबैक सर्च कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक का रिकॉर्डिंग देखना है तो देख सकते हो। डेट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, अलार्म के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, मोशन डिटेक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो कि पर्टिकुलर मोशन डिटेक्ट का ही रिकॉर्डिंग आपको देखना है तो वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। एग्जैक्ट सर्च, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, एक्यूरेट टू सेकेंड्स, आप सेकेंड्स में भी उसे ढूंढ सकते हो, तो बहुत एक्यूरेसी सर्च आप कर सकते हो, वो यहां पर दिया गया है। प्लेबैक फंक्शन, ठीक है, जहां पर आप देखोगे तो प्लेबैक करने के लिए उसमें आप पॉज कर सकते हो, वीडियो को प्ले कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, स्लो प्लेबैक कर सकते हो, नेक्स्ट डे का देख सकते हो, प्रीवियस डे का देख सकते हो, और उसके बाद में प्रीवियस कैमरा को चेक कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, शफल कर सकते हो, ठीक है, बैकअप सिलेक्शन कर सकते हो, डिजिटल जूम कर सकते हो। डिजिटल जूम मतलब आप प्लेबैक देख रहे हो और उसी को चाहिए कि आप जूम करके थोड़ा सा देखना है तो वो वहां पर डिजिटल जूम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर जो है आपके प्लेबैक के फंक्शंस में दिया गया है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्लेबैक के अंदर जितने भी फीचर बता रहा हूं ये हमने मॉड्यूल 2 के ऑपरेटिंग में सिखाया हुआ है, जो हमारा मेन कोर्स है ना उसमें मॉड्यूल 2 है, ठीक है, वो मॉड्यूल 2 में ऑपरेटिंग के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है, एक एक करके। नेक्स्ट आता है हमारा बैकअप मोड, तो यूएसबी के थ्रू आप बैकअप ले सकते हो और नेटवर्क के थ्रू आप बैकअप ले सकते हो, अगर नेटवर्क पे है तो अपने पीसी या लैपटॉप से आप बैकअप्स ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज, तो इंटरनल हार्ड ड्राइव इसमें लगेगा, इसमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो, प्लस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होता है वो बैकअप के लिए लगता है, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो आप लगाते हो वो आप स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज अगर आपको करना है तो उसमें मैक्सिमम 6 TB तक का कैपेसिटी होगा। ई सेटा, अभी
इसमें आया हुआ नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऑक्सिलरी इंटरफेस, दैट इज आपके पास में यूएसबी जो इंटरफेस दिया गया है दैट इज 2.0 है, ठीक है, ये इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है। आरएस 232 और 485 नहीं दिया गया, यानी कि आप पीटीजेड कैमरा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर होगा तो वो आप उसमें पीटीजेड कैमरा लगा सकते हो, तो ये डीवीआर के अंदर आप पीटीजेड कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो वो इंटरफेस यहां पर नहीं दिया गया, तो आरएस 485 में अगर यहां पर एप्लीकेबल है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरा का पूरा डीवीआर चलने के लिए 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर कंज्यूम करेगा, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर कंज्यूम करेगा। तो डीवीआर के साथ में आपको एक एडाप्टर मिलता है, उसी एडाप्टर से आपको पावर देना है, ठीक है। कितना वॉट कंज्यूम करेगा, तो लेस देन 10 वॉट कंज्यूम करता है, ठीक है, विदाउट हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क होगा तो वॉट आपका क्या होगा, थोड़ा सा कम ज्यादा आपका हो सकता है। तो विदाउट हार्ड डिस्क ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, हार्ड डिस्क के साथ में थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ सकता है। समथिंग मोर डायमेंशन, डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ऑल ओवर डीवीआर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो कोई साइज पूछेगा ना, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो ड्रावर के अंदर डीवीआर रख दो, मेरे कबर्ड के अंदर रख दो, तो उन्हें एक डायमेंशन दे सकते हो आप कि सर आपका कबर्ड इतने बाय इतने का होना चाहिए, तो हमारा डीवीआर प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। तो ये डायमेंशन से थोड़ा ज्यादा ही आपको रखना है, अगर क्योंकि वायर भी स्पेस लेता है, कनेक्टर भी स्पेस लेता है, तो ये कट टू कट डायमेंशन होता है, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कूपर सीरीज है, 1U का जो है उसका रैक है, ठीक है, उसका जो साइज है 1U का है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, डेट इज उसका जो साइज है वो यहाँ पर मेंशनड है, वो आप देख लीजिए। वेट आप बता सकते हो कि इतना हैवी है, विदाउट हार्ड डिस्क वेट दिया गया है। उसके बाद में ग्रॉस वेट दिया गया है, यानी कि लमसम में आपका जो वेट है वो 1 kg के आसपास में होता है, यानी कि 2.2 LBS का वेट है इसका, ठीक है। इंस्टॉलेशन, डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समथिंग मोर, यहाँ पर इन्वायरमेंटल, यानी कि इन्वायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखना जरूरी है कि ये डीवीआर जो है लेस देन, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस, उससे कम नहीं, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका +45 डिग्री सेल्सियस तक हमारा डीवीआर को वहां पर रखना है। अगर इससे ज्यादा हीट है वहां पर, मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस तक से ज्यादा है, तो वहां पर आपको कूलिंग सिस्टम देना होगा, एसी देना होगा, वेंटिलेशन के लिए वहां पर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पर आपका वो चीज खराब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी ये पढ़ लीजिएगा, हर कैमरे में पढ़ना जरूरी है कि डीवीआर में पढ़ना जरूरी है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, स्टोरेज के कंडीशंस भी दिए गए हैं, ठीक है, तो एक बार रिफर कर लो आप। थर्ड पार्टी सपोर्ट, थर्ड पार्टी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये डीवीआर ले लोगे तो इसमें कौन कौन से और ब्रांड के चीजें सपोर्ट कर सकती है, कैमरे सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो है आपका दवा, जो तो दवा का लोगे तो दवा का सीधी सी बातें सपोर्ट करेगा ही, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड की बात करेंगे तो बॉश है और सीपी प्लस है, हनीवेल है, पैनासोनिक है, पेल्को है, सैमसंग है, ठीक है, सोनी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, विवोटेक एंड मोर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हिकविजन नहीं, मतलब हिकविजन करेगा नहीं, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, यानी कि एंड मोर लिखा हुआ है। देखिए, दीज आर दी कंपटीटर्स, हिकविजन और दवा, ये क्या है, दोनों आपस में कंपटीटर है, तो इसके वजह से नाम मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, अदरवाइज सपोर्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो उन्हें कुछ सर्टिफिकेशन लेना होता है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तभी आप उसमें लिख सकते हो ना, तभी आप उसमें लिख सकते हो कि दिस इज IP66 सर्टिफाइड, IP66 67 सर्टिफाइड, तो ये सब क्या IP रेटिंग्स है, ठीक है, ये भी क्या है, सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, अगर आप कुछ चीज का दावा करते हो तो उसका कुछ सर्टिफाइड होगा, कुछ टेस्टिंग्स होती है, ठीक है, तो टेस्टिंग के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और आप गूगल पे जाके, जैसे कोई भी चीज UL लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिया गया है, तो UL लिस्टिंग का दिया गया है, तो वो सारे चीजें क्या कर सकते हो आप, वो सर्टिफिकेशंस आप वेबसाइट्स पर जाकर, इवन इनके वेबसाइट पे भी जाके हम सर्टिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर पता नहीं इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, बट इनके अंदर एक टैब होगा जहाँ पर हम सर्टिफिकेशंस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वो आप ढूंढ लीजिए, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो सर्टिफिकेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई, दैट इज टू रीड अ डेटा शीट, यानी कि डेटा शीट को कैसे आपको रीड करना है प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज के बारे में अब आप समझ चुके होंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होता है
कि डेटा शीट को कैसे रीड किया जाता है, बट उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसमें आप गारंटीड समझ चुके होंगे कि आप डेटा शीट को समझना कैसे, रीड कैसे करना है। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। सो हमने इसे अल्टीमेट 3 वीडियोस के अंदर अंदर हमने इसे समाप्त कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आप लाइक करिए हमारे वीडियो को, कमेंट करिए, जितना कमेंट आप करोगे उतना ज्यादा वीडियो मैं क्रिएट करूंगा। आप टॉपिक मुझे बताइए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगा, ठीक है। सो कमेंट करिए, और अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया हुआ है, आखिरी मौका है, कुछ ही दिन रह चुके हैं, ज्यादा दिन नहीं है, हार्डली फ्यू डेज लेफ्ट, ठीक है। आपको भी पता है कि क्या तारीख चल रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी जाइए और ये कोर्स हमारा बाय करिए। एडवांस लेवल का सीसीटीवी कोर्स है, ऑनलाइन घर बैठे आप अपने मोबाइल के ऊपर, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू आप कभी भी कोई भी समय पर हमारा सीसीटीवी कैमरा कोर्स कर सकते हो, जिसकी फीस 4999 हमने दिया हुआ है, और मोर देन 10,000 पीपल्स आर लर्निंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग हमारे इस कोर्स को एनरोल कर रहे हैं। पूरे एक साल की एक्सेस है, मास्टरी कोर्स है ये पूरा का पूरा, ठीक है। किसी और का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे चीजें हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, जैसे आप यहां पर सीख रहे हो उसी तरीके से सीखोगे। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और निंजा कोर्स अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा नहीं है, उसके लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए, वहां से जाके क्लिक करिए, और आप हमारे निंजा कोर्स को अच्छी तरीके से day 1, day 2, day 3 स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट माय नेक्स्ट निंजा कोर्स। बाय बाय।